काल जब संदेश के लिए हम लोग पहुंच गए थे उधर में एक टेरर परिवेश तैयार किया है। वो शाहजहान मोहल्ला एंड गैंग वो पूरा मिलके ऐसा एक भयानक वातावरण तैयार किया है। लोग उस बोलने के लिए ही साहस नहीं है, सामने आने के बोलने से ही वो लोग डर रहे। वो लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, जब आप इधर से चला जाएंगे, चला जाओगे तब तो हमारे ऊपर दोबारा ये लोग हमला करेगा, हम कैसे बता सकता है। तब भी उन लोग हम लोगों को आश्वासन किया है, जहाँ भी हम लोग है पूरा टीम हमारे इधर रहेगा, आप चिंता मत करो। बहुत आश्वासन देने के बाद दो चार लोगों ने मुंह खुला है, उन्होंने बोला है ऐसा ऐसा घटना हम लोगों को हुआ है, महिला को कैसे कैसे बुला बुला के पार्टी में जाके हर रात पूरा रात भर बैठा के रखते, उन लोग के साथ गलत काम करता है, ये वाला चीज उन्होंने बताया है। उसके बाद हम लोग पुलिस का बड़े अधिकारी मौजूद था, उनसे मिलने के लिए बात करने के लिए हम लोग गए थे संदेश के लिए थाना में, लेकिन हम लोग देखे पुलिस अधिकारी लोग भाग गया, हमारे साथ बात भी नहीं किया। उसके बाद हम लोग तुरंत निर्णय लिया है, चाहे हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मिला है, महामहिम राष्ट्रपति हमको टाइम दिया है, आज 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति रिपोर्ट भेजा है, और उसी रिपोर्ट में एक ही मुद्दा एक ही एजेंडा हम मैंने लिख के दिया है, जो कानून में अनुसूचित जाति वर्गों को सेफ गार्ड करने का आर्टिकल 338 में है, वो सरकार एट्रोसिटी वायलेट कर रहा है और सरकारी मदद में हो रहा है, इसके ऊपर 100% राष्ट्रपति बन सकता है, इसी के आधार पर मैंने रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दिया।